फाइनली गैस आज वीवो ने इंडिया पर लॉन्च कर दिया उसका ब्रांड न्यू स्मार्टफोन वीवो Y73। और ये जो स्मार्टफोन आता है 8GB 128GB वाला वेरिएंट के साथ 20,999 रुपीस के अंदर, और उसी प्राइस में काफी अच्छे खासा स्पेसिफिकेशन ऑफर कर रहा है। लेकिन गैस स्मार्टफोन जो स्पेसिफिकेशन ऑफर कर रहा है लगभग सेम स्पेसिफिकेशन ऑफर कर रहा है रियलमी की तरफ से रियलमी 8 प्रो। तो यहाँ पर काफी सारा दोस्तों कंफ्यूज है ये दोनों स्मार्टफोन लेकर, क्या भी मुझे रियलमी 8 प्रो को परचेस करना चाहिए ना वीवो Y73 स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए, ये दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है, कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखते रहिए। हेलो गाइस, मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं मिस्टर संजय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना, उसी के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल में क्लिक करना। आज का वीडियो का लाइक का जो टारगेट रखते हैं सिर्फ 100, उम्मीद करते हैं आप लोग पूरे कर दोगे। पहला बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। गैस अगर डिजाइन की तरफ देखा जाए तो सबसे अच्छा जो डिजाइन ऑफर कर रहा है वही गैस वीवो Y73 स्मार्टफोन। ये जो स्मार्टफोन आता है ग्लास बॉडी के साथ, स्मार्टफोन के पीछे की तरफ काफी अच्छा खासा डिजाइन देखने को मिल जाएगा, और जो डिजाइन है दोस्तों वही यूनिक डिजाइन भी है। पीछे की तरफ देखने को मिल जाएगा ट्रिपल कैमरा सेटअप LED फ्लैश, और स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। और फ्रंट साइड की तरफ देखा जाए तो स्मार्टफोन आता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, और अगर रियलमी 8 प्रो आता है पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ, स्मार्टफोन के पीछे की तरफ देखने को मिल जाएगा काफी अच्छा खासा डिजाइन, और पीछे की तरफ रहने वाला है क्वाड कैमरा सेटअप LED फ्लैश, यहाँ पर भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। और फ्रंट साइड की तरफ देखा जाए तो स्मार्टफोन आता है पंचोल डिस्प्ले के साथ। इसके बाद बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। गैस अगर डिस्प्ले की तरफ देखा जाए तो बिल्कुल बाजी मारता है वही गैस रियलमी 8 प्रो, क्योंकि गैस जो स्मार्टफोन आता है 6.4 इंच फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ, सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से स्मार्टफोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, उसी के साथ यहां पर है पंचोल डिस्प्ले, क्योंकि गैस स्मार्टफोन के अंदर आप फुल व्यू डिस्प्ले का मजा ले सकते हो। उसी के साथ स्मार्टफोन आता है 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ, और अगर वीवो Y73 स्मार्टफोन आता है 6.44 इंच फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले के साथ, एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से स्मार्टफोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, उसी के साथ स्मार्टफोन आता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। गैस अगर प्रोसेसर के बारे में बात किया है तो यहां पर बिल्कुल बाजी बनने वाला है वही गैस रियलमी 8 प्रो, क्योंकि गैस जो स्मार्टफोन आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की तरफ से 720G चिपसेट के साथ, जो कि ऑक्टाकोर चिपसेट है 8 नैनोमीटर में बेस्ड है। इस चिपसेट के अंदर आपका जो फेवरेट गेम है स्मूथली रन करने वाला है, और अगर वीवो Y73 स्मार्टफोन आता है मीडियाटेक की तरफ से G95 चिपसेट के साथ, जो कि ऑक्टाकोर चिपसेट है, और ये जो चिपसेट है 12 नैनोमीटर में बेस्ड है। इस चिपसेट के अंदर आपका जो फेवरेट गेम है वो स्मूथली रन करने वाला है, लेकिन गैस बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा रियलमी 8 प्रो के अंदर। बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में। यहाँ पर कैमरा की तरफ देखा जाए तो बिल्कुल बाजी मरने वाला है रियलमी 8 प्रो, क्योंकि गैस ये जो स्मार्टफोन आता है पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप के साथ प्राइमरी जो सेंसर रहने वाला है वो है 108 मेगापिक्सल, उसी के साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस के लिए, 2 मेगापिक्सल है डेप्थ सेंसर के लिए, और 2 मेगापिक्सल है माइक्रो लेंस के लिए। और अगर वीवो Y73 स्मार्टफोन आता है पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ वो 64 मेगापिक्सल, उसी के साथ 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर के लिए और 2 मेगापिक्सल है माइक्रो लेंस के लिए, यहाँ पर अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरे के बारे में। दोनों स्मार्टफोन आता है 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ, क्योंकि गैस दोनों स्मार्टफोन का सेल्फी कैमरे के बारे में इतना ज्यादा दोस्तों अंतर नहीं देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। गैस अगर बैटरी की तरफ देखा जाए तो बिल्कुल बाजी मारने वाला है रियलमी 8 प्रो, क्योंकि गैस ये जो स्मार्टफोन आता है 4500mAh बैटरी के साथ, उसी के साथ इनबॉक्स आता है 50W का फास्ट चार्जर के साथ, और वहाँ पर वीवो Y73 स्मार्टफोन आता है 4000mAh बैटरी के साथ और इनबॉक्स आता है 33W का फास्ट चार्जर के साथ। दोनों स्मार्टफोन के अंदर टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की स्टोरेज वेरिएंट के बारे में। वीवो Y73 जो स्मार्टफोन आता है एक ही वेरिएंट स्टोरेज के साथ 8GB 128GB वाला वेरिएंट के साथ, और अपर रियलमी 8 प्रो आता है गाइस दो वेरिएंट स्टोरेज के साथ 6GB 128GB वाला वेरिएंट और 8GB 128GB वाला वेरिएंट। दोनों स्मार्टफोन आता है इनबॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ, दोनों स्मार्टफोन के अंदर डेडिकेटेड सिम स्लॉट और 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन आता है LPDDR4X रैम के साथ, और दोनों स्मार्टफोन के अंदर जो स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा वो EFS 2.1 का, क्योंकि गाइस दोनों स्मार्टफोन का रैम का स्पीड और स्टोरेज का स्पीड काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में। वीवो Y73 जो स्मार्टफोन आता है
8GB 128GB वाला वेरियंट के साथ 20,999 रुपीज के अंदर। और यहाँ पर रियलमी 8 प्रो आता है 6GB 64GB वाला वेरियंट के साथ, सिर्फ आता है गैस 18,000 रुपीज के अंदर। और 8GB 128GB वाला वेरियंट के साथ आता है 20,000 रुपीज के अंदर। इसके बाद जान लेते हैं दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है, कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेज करना चाहिए। अपने स्पेसिफिकेशन जान लिया दोस्तों, आपने देखा दोनों स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन काफी अच्छा खासा है। मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जो सबसे अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है वो गैस रियलमी 8 प्रो, क्योंकि गैस स्मार्टफोन के अंदर जो सबसे बड़ा हाईलाइट फीचर्स देखने को मिलेगा वो गैस 108 मेगापिक्सल का कैमरा। उसी के साथ दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, और स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेगा काफी पावरफुल चिपसेट, 50W चार्जर जो इनबॉक्स भी आता है, क्योंकि गैस स्मार्टफोन के अंदर बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो कम है दोस्तों वीवो Y73 से। अगर आप वीवो की लवर्स हो, अगर आपको वीवो का UI जो फैंटास OS आपको पसंद आता है, तो आप चाहो तो वीवो Y73 को परचेस कर सकते हो 21,000 रुपीज पे करके। दोनों स्मार्टफोन है 4G स्मार्टफोन, आपको डिसाइड करना है आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है। मुझे लगता है दोस्तों आपके लिए जो सबसे अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है वो गाइस रियलमी 8 प्रो। तो आपको क्या लग रहा है कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है, आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो, क्योंकि दोस्तों सबका राय तो अलग अलग होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूं मैंने आपको सारा डाउट क्लियर करा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना, उसी के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल में क्लिक करना। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।